In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and doing your work properly and listening your lectures carefully. So, today's lecture is 31st December 2020. The day is Thursday, class 7th. The subject is English, unit number 6. The topic, as you know, the topic of this unit number 6 is lesson. And the subtopic is the fishing baboon. Fishing, mahigir ko kehte hain, machliyan pakadne wala jo hai, usko keh sakte hain. Baboon jo hai, wo ek janwar hai. Yahan lesson mein, baboon janwar hai, large monkey, ek bada bandar hai, jiska jo face hai, with dog-like face, jiska face hai, wo kutte jaisa hai. फ़िशिंग बबून में जो मगरबी अफ्रीका में सफ़र के दौरान डोनाल्ड मैकिंटोश की मुलाकात डोरोथी और उसके बबून से हुई जिसका नाम लावल था. डोनाल्ड मैकिंटोश जो है वो इस कहानी के जो राइटर हैं, इस स्टोरी के राइटर हैं, उनको उनका नाम ये है और उनकी मुलाकात जो हुई वो बबून से हुई जिसका नाम लावल था और डोरोथी से हुई. वो एक नहायत नागवार और जारे मजाज जानवर है जिस लेकिन मुसन्नफ़ को बताया जाता है कि लावल एक हैरत अंगेज़ हुनर रखता है. जब डोरोथी उसे दावत देती है कि वो उसके आबाई गांव की तरफ सफ़र में और माहीगिरी के सफ़र में उसके साथ और लावल के साथ चले, किसको दावत देती है? राइटर को. तो वो बड़े जोश व खरोश के साथ आमादा हो जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द वर्ड्स मीनिंग्स और फिशिंग बबून. स्वैम, फर्स्ट ऑफ ऑल स्वैम मतलब दलदल. बैनिंगली, मेहरबानी से या काइंडली को भी हम बैनिंगली के सिनोनिम्स में यूज़ कर सकते हैं. फ्लोट काग, फ्लोट काग को कहते हैं. फ्लोट काग मतलब कोई तैरने वाली चीज़ हो जिसके बारे में बताया जाए, उसको फ्लोट कहते हैं, काग कहते हैं. बैथ, बैट चारा. एकोलेड एजाज़, जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं, तारीफ़ करने के बारे में उसको जो प्रेज़ उसकी तारीफ़ की जाती है, हौसला अफजाई जब की जाती है तो उसको एजाज़ दिया जाता है. किसी वजह से या उसने कोई अच्छा काम किया हो उसके लिए एजाज़ का मतलब जो है, एजाज़ का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होता है. हम आगे बढ़ेंगे रीडिंग की तरफ. This is also your classwork. Dorothy's relatives lived about 2 hours trek into the swamp, and I needed no encouragement to accept the invitation to join her and Lovell on their next fishing trip. Dorothy's relatives lived about 2 hours trek. Dorothy ko jo rishtedar the wo rehte the 2 ghante ki jo मसाफत के इनटू द स्वैम्प एंड इनटू द स्वैम्प दलदल में रहते थे. डोरोथी के रिश्तेदार दलदली इलाके में 2 घंटे की पैदल मुसाफत पर रहते थे. मतलब पैदल अगर सफ़र किया जाए तो 2 घंटे की मुसाफत में रहते थे. एंड आई नीडेड, और मुझे ज़रूरत थी नो इनकरेजमेंट टू एक्सेप्ट द इनविटेशन टू ज्वाइन हर एंड लावल, और मुझे उसके और लावल के साथ जो उनकी इन्विटेशन थी उस में हौसला अफजाई की कोई ज़रूरत नहीं थी. मतलब दावत जो थी उनको कबूल करने के लिए किसी भी हौसला अफजाई की ज़रूरत नहीं थी. ऑन देयर नेक्स्ट फिशिंग ट्रिप, उनकी जो मछलियां पकड़ने वाले अगला दौरा था उसमें जाने के लिए जो दावत उन्होंने दी थी उसको कबूल करने में किसी भी हौसला अफजाई की ज़रूरत नहीं थी. लावल बाउंडेड अलोंग ऑन आल फोर्स अहेड ऑफ अस. लावल हाथों पैरों के बल उछलता हुआ हमसे आगे आगे, सेंडिंग वाटर स्प्रेइंग इन ऑल डायरेक्शंस, चारों तरफ पानी की बौछारें बरसाता हुआ. बट नेवर वेंचरिंग फार फ्रॉम आवर साइट, मगर नज़र से कभी भी बहुत दूर ना होता हुआ चल रहा था. लावल हाथों पैरों के बल उछलता हुआ हमसे आगे आगे, चारों तरफ पानी के बछाड़े करता हुआ, लेकिन नज़र से कभी भी बहुत दूर ना होता हुआ चल रहा था. लाइक ऑल क्रिएचर्स
who have spent most of their lives in human company. उन तमाम मखलूकात की तरह जिन्होंने अपना ज़्यादातर वक्त जो है इंसानी सोहबत में गुजारा होता है. ह्यूमन कंपनी इंसानी सोहबत में, दूसरे ऑल क्रिएटर्स दूसरी तमाम मखलूकात की तरह. ही हैड एन इननेट डिस्ट्रस्ट ऑफ द बश. ही हैड एन इननेट डिस्ट्रस्ट ऑफ द बुश. वो भी झाड़ियों के लिए एक जबली बेअतमादी रखता था. इन दिस केस, इस मौके पर प्रोबेबली वेल फाउंडेड, गालबन बहुत ज़्यादा पसंद करता था. फॉर देयर वर ल्यूपर्स इन दिस एरिया एंड दे हैव अ स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर बबून फ्लैश. क्योंकि इस इलाके में चीते थे और बबून का गोश्त उन्हें बहुत पसंद था. इन द केस प्रोबेबली वेल फाउंडेड फॉर देयर वर ल्यूपर्ड इन दिस एरिया एंड दे हैव अ स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर बबून फ्लैश. और उस मौका पर गालबन उसकी मजबूत वजह भी थी क्योंकि उस इलाके में चीते थे और बबून का गोश्त उन्हें बहुत पसंद था. वेयर द वाटर्स बिकेम अ बिट डीपर ही स्वेम बिहाइंड अस विद अ रैपिड सॉर्ट ऑफ डॉगी पैडिंग स्ट्रोक. जहाँ पानी बहुत थोड़ा गहरा हो जाता, वो कुत्ते के अंदाज में हाथ मारते हुए बहुत तेज़ी से हमारे पीछे तैरता जाता. वेयर द वाटर बिकेम अ बिट डीपर, जहाँ पानी थोड़ा गहरा हो जाता, ही स्वैम बिहाइंड अस, वो हमारे पीछे तैरता जाता विद अ रैपिड सॉर्ट ऑफ डॉगी पैडिंग स्ट्रोक, कुत्ते की तरह कुत्ते के जैसे अंदाज में हाथ मारते हुए बहुत तेज़ी से पीछे तैरता जाता. सो यू हैव टू डू रीडिंग ऑफ पेज नंबर 153 जो हमने अभी डिस्कस किया है. एंड देन यू हैव टू लर्न वर्ड्स मीनिंग ऑफ द फिशिंग बबून. आपने क्या करना है, 153 पेज आपकी बुक का जो है आपने उसकी रीडिंग करनी है. देन यू हैव टू लर्न वर्ड्स मीनिंग्स ऑफ द फिशिंग बबून जो हमने अभी डिस्कस किए हैं वर्ड्स मीनिंग, आपने उनको लर्न करना है. दिस इज़ योर विंटर पैक वर्क, विंटर पैक टास्क. आपने क्या करना है, टेस्टिंग द लैंडस्केप जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आपने उसके क्वेश्चन आंसर जो हैं उनको सेपरेट रजिस्टर पर लिखना है और ये विंटर पैक में से आप ये काम करेंगे. राइट क्वेश्चन आंसर ऑफ टेस्टिंग द लैंडस्केप फ्रॉम विंटर पैक पेज नंबर 1 ऑन सेपरेट रजिस्टर. आपने क्या करना है, ये डायरी है आपके विंटर पैक की, क्वेश्चन आंसर टेस्टिंग ऑफ लैंडस्केप के आपने रजिस्टर पर लिखने हैं और आपके विंटर पैक का पेज नंबर है 1. पेज नंबर 1 के विंटर पैक के क्वेश्चन आंसर जो हैं, लेसन है टेस्टिंग द लैंडस्केप, आपने उस लेसन के क्वेश्चन आंसर सेपरेट रजिस्टर पर करने हैं. इज़ इट क्लियर टू यू ऑल? सो थैंक्स फॉर लिसन दिस लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.